गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स अगेन आई एम गोइंग टू कंटिन्यू द सेम चैप्टर दैट इज रूरल लाइवलीहुड नाउ द रिच फार्मर्स डू नॉट हैव टू वर्क ऑन फील्ड्स, धनवान किसानों को अपने खेतों में तो काम नहीं करना पड़ता जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि धनवान किसान क्या करते हैं मजदूर लगा देते हैं लेबरर्स से अपना वर्क कराते हैं सो दे हैव प्ल्टी ऑफ टाइम फॉर अदर एक्टिविटीज इसीलिए उनके पास बहुत सारा समय होता है दूसरी एक्टिविटीज करने के लिए जैसे कि रनिंग मिल्स और शॉप्स यानी वो बड़े बड़े मील चला सकते हैं शॉप चलवाते हैं, चला सकते हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारा समय बचता है वो खुद तो खेती करते नहीं है दीज बिग फार्मर्स ऑल्सो हैव मनी टू इन्वेस्ट इन सच एक्टिविटीज इसके साथ ही साथ उनके पास समय के साथ साथ क्या है उनके पास मनी भी होता है जो इसको वो इन्वेस्ट कर सकते हैं यानी लगा सकते हैं दूसरी एक्टिविटीज में मील्स बनवा लेते हैं शॉप बनवा लेते हैं एज दे अर्न मोर मनी देन दे नीड टू सपोर्ट देयर फैमिलीज़ उनके पास जितना पैसे है उससे अपने परिवार को सपोर्ट नहीं उसके अलावा भी एक्स्ट्रा मनी वो अर्न करते रहते हैं सम ऑफ देवेंट ड मनी टू अदर्स एंड अर्न इंटरेस्ट ऑन द लोन्स देखिए क्या क्या करते हैं वो लोग उनके पास इतना पैसा होता है कि वो दूसरे लोगों को लोन पे भी पैसा दिया करते हैं और उसका इंटरेस्ट से भी वो पैसा कमाते हैं. ब्याज लिया करते हैं द इनकम फ्रॉम सच एडिशनल सोर्स ऑफ लाइवलीहुड मेक द रिचर्स अब जो एक्स्ट्रा मनी आ रहा है उनको जो है वो लोन दे रहे हैं एक तो मिल्स भी चला रहे हैं उनके पास बड़े खेत है वहां से पैसा कमा रहे हैं उसके बाद उनके पास वो बड़े बड़े मिल्स या शॉप चलाते हैं उससे पैसा कमा रहे हैं तीसरा वो क्या कर रहे हैं अपने मनी को इंटरेस्ट में भी दे रहे हैं लोगों को जिन जरूरतमंदों को और उसका इंटरेस्ट ले रहे हैं तो उससे भी उनको पैसा मिलता है इस तरह से उनके पास बहुत ज्यादा वो धनी धनी से और धनी और धनवान बनते चले जाते हैं सम फार्मर्स हैव स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड कुछ किसानों के पास छोटे छोटे जमीन होते हैं दे आर यूजअली एबल टू ग्रो जस्ट एनफ क्रॉप फॉर देयर ओन यूज अब क्या होता है जो छोटे किसान होते हैं वो लोग सिर्फ उतना ही अनाज उपजा पाते हैं जो उनके यूज का भरका होता है समटाइम्स दे हैव ए लिटिल लेफ्ट टू सेल कभी कभी क्या होता है जो अनाज उपजाए उसमें से थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो वो लोग जो बचा हुआ अनाज होते हैं अपने घर में यूज करने के अलावा जो एक्स्ट्रा बचता है उसको वो बेच देते हैं हाईवर देयर इनकम्स इज नॉट वेरी हाई यहाँ तक कि उनकी इनकम जो होती है क्योंकि थोड़ा सा बचा हुआ एक्स्ट्रा होता है तो उनका जो अनाज बेचते हैं उससे बहुत ज्यादा पैसा नहीं मिलता है इसलिए उनकी इनकम बहुत हाई नहीं होती है सो दे ऑफ एन बोरो मनी टू बाय सीड्स एंड फर्टिलाइजर इसीलिए क्या करते हैं उनको कभी कभी उधार भी लेना पड़ता है पैसा बीज खरीदने के लिए और खाद खरीदने के लिए सम स्मॉल फार्मर्स ऑफ एन रीपे सच लोन्स बाय सेलिंग सम ऑफ देयर क्रॉप्स एट चीप रेट्स टू द मनी लेंडर्स फ्रॉम वो वोम दे बोरो अब क्या करना पड़ता है देखो ये छोटे छोटे किसानों को कभी कभी अपने जो अनाज उपजाते हैं उसको कभी कभी सस्ते दाम पे जो है मनी लेंडर्स को यानी जो जो पैसा दिया होगा साहूकार लोगों को क्या करना पड़ता है अनाज सस्ते दाम पर भी बेचना पड़ता है क्योंकि वो उससे उधार लिए हुए होते हैं ना इसलिए इफ दे कैन नॉट रीपे द लोन अगर कभी कभी क्या होता है वो लोन वापस नहीं कर पाते हैं दे फॉल इन टू डेप तब क्या होता है उनके ऊपर और उधार बढ़ जाता है दिस में हैपन इफ द क्रॉप फॉल्स फॉर सम रीजन कभी कभी क्या होता है ऐसा कभी कभी होता है जब नेचुरल डिजास्टर या कोई रीजन होता है जिसके चलते उस उसका अनाज अच्छा नहीं हुआ तो किसान क्या करता है जो उधार लिया है साहूकार से उसको वापस नहीं कर पाता है तो उसके ऊपर और उधार पे उधार बढ़ जाता है स्मॉल फार्मर्स कैन नॉट हायर लेबरर्स छोटे किसान जो है वो लेबर तो अपने जमीन में लगा नहीं पाते हैं यूजली ही वर्क ऑन हिज ओन फील्ड इसीलिए क्या करते है वो अपने खेतों पे खुद काम करते हैं और विथ हिज फैमिली उसके परिवार के सभी लोग करीब करीब उसी में लग जाते हैं ऑफ एन सेवर सच दमिंग फैमिली वर्क टूगेदर ऑन ईच अदर फील्ड कभी कभी क्या होता है कुछ किसानों का परिवार जो होता है एक साथ ही सब एक साथ ही खेतों में क्या करते हैं काम करते हैं एक दूसरे के लिए काम कर दिया करते हैं मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू लुक फॉर द एडिशनल सोर्स ऑफ लाइवलीहुड इन ऑर्डर टू मेक एंड मीट दे मे कीप ए फ्यू काउज एंड गोड्स एंड सेल द मिल्क दैट दे गेट फ्रॉम देअर दीज एनिमल सम फार्मर्स की छोटे किसान क्या करते हैं एडिशनल सोर्स ऑफ लाइवलीहुड उनका उतने पैसे से तो अनाज से ही चल नहीं रहा है तो वो क्या करते हैं जानवरों को भी पालते है जैसे की गाय बकरी और उसका दूध भी बेचा करते है इसके अलावा कभी कभी तो कुछ किसान जो है मुर्गिया भी पालते हैं और उसके अंडे भी सेल किया करते हैं ओके No thank you beta